अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेहरीन दानिश, वेलकम बैक टू माय न्यू वीलॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे, बल्कि मज़े में होंगे, क्योंकि सर्दियां भी हैं और धूप भी निकल रही है। तो खूब किन्नू शिन्नू खाएं, खूब सेहत बनाएं और विटामिन सी लें। नहा धो के राजू आज सुबह सुबह जेंटलमैन बना हुए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ही जगह पे। चलिए मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतनी एक्साइटेड और खुश हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज डॉग शो पे, और मतलब मैं तो बड़ी ज़बरदस्त ही कोई पेट लवर हूँ। मुझे डॉग्स बहुत पसंद हैं, कैट्स बहुत पसंद हैं, बर्ड्स बहुत पसंद हैं, सब कुछ ही पसंद है। तो चलें चल के देखते हैं जी कौन कौन सी ब्रीड्स आई हुई हैं, कितने प्यारे प्यारे डॉग्स आए हुए हैं, और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। चलें लेट्स गो। तो चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाती हूँ, हमें बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो ऐसी चीज़ों में बहुत ही मज़ा आता है, तो चलें चल के देखते हैं, लेट्स गो। क्राउडेड एरिया हुआ हुआ है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं और बहुत ही मुझे लग रहा है आज मज़ा आने वाला है। बहुत ही कोई अच्छी मज़े की एक्साइटेड सी कोई ब्रीड्स होने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। यार दिस इज़ वेरी एग्जॉटिक कि ना लोग अब डॉग शोज़ और ये चीज़ें जो हैं इनको सामने पब्लिकली लेके आ रहे हैं, वरना मैंने पहले ऐसा कोई एटमॉस्फेयर देखा नहीं है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन मेरा तो ये सेकंड डॉग शो है जो मैं अटेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। ये हस्की ब्रीड है? क्या साइबेरियन हस्की? और कितने मंथ्स का है ये? 20 मंथ्स का। 20 मंथ्स का। और इसकी क्या फीड होती है? इसकी फीड रॉयल कैनन होती है, टेस्ट ऑफ वाइल्ड एक होता है, बहुत ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन वो सर्दियों में रहता है। अच्छा जी। हम लोकल जो होम फूड होता है वही लेते हैं, बीफ ज्यादा लेते हैं, चिकन वैसे देते हैं। अच्छा जी। और ये फ्रेंडली है, मतलब होम फ्रेंडली? बहुत फ्रेंडली है ये, इसको जैसे मर्जी आप कर लें। जरा स्ट्रेंजर्स के लिए थोड़ा सा एक होता है। अच्छी बात है। वॉच डॉग टाइप है? नहीं, वॉच डॉग टाइप बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू जी। ये देखिए मेरे आगे से कितने प्यारे डबल कोट सिंगल कोट जर्मन शेफर्ड जा रहे हैं। इनकी ना ग्रेस ही अपनी है। और ये हैं यहाँ के जज मिस्टर मार्क प्लैंकेट। वैसे अगर आप लोग डॉग लवर्स हैं ना, तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए डॉग्स की डिफरेंट ब्रीड के साथ। ये जो है ना जर्मन शेफर्ड्स देखने में काफ़ी अग्रेसिव लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही लविंग हैं। कुछ बीच में से अग्रेसिव हैं, लेकिन बाकी बहुत ईजी टू मेनटेन लग रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत ही ज़बरदस्त से स्टॉल्स भी लगे हुए हैं गोलगप्पे के और आइसक्रीम के, पॉपकॉर्न्स के। तो हम लोगों ने आइसक्रीम ली है। फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा था ये डॉग शो है जहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिगर मतलब जर्मन शेफर्ड की ही ब्रीड है और उनका ही कॉम्पिटिशन। पहले दो टैप स्लो और उसके बाद रॉड है। हम लोगों ने भी एक जर्मन शेफर्ड रखा हुआ है केली, लेकिन अब हम लोगों ने उसको अपनी डेयरी पे भेज दिया, इसीलिए बच्चे इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं डॉग्स के साथ, मेरे से भी ज़्यादा। मुझे डॉग्स पसंद ज़रूर हैं, पर मैं बिल्कुल इनके साथ ना मतलब फ्री नहीं हो सकती हूँ। और रिताज को तो आपने देख ही लिया कि वो बड़े मज़े से उसको अपनी आइसक्रीम ऑफर कर रही है। आप डरे नहीं, डरे कुछ नहीं कहता ये। Chicken, 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 ch
आगे आ जाओ। ये देखें जी, मेरे पीछे मुकाबला हो रहा है डॉग्स का, देखते हैं कौन विन करता है। सारे मुझे तो जर्मन शेफर्ड एक ही तरह के लगते हैं, तो देखते हैं। और सारी प्यारे प्यारे हैं, कुछ एग्रेसिव हैं, कुछ बहुत फ्रेंडली हैं। डॉग्स में तो पता नहीं कौन विन करता है, बहरहाल मेरे बच्चों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली हैं। बहुत ही ना कोई ज़बरदस्त इधर क्राउड आया हुआ, इतने ज़बरदस्त, इतने प्यारे डॉग्स हैं और बहुत ही फ्रेंडली से डॉग्स हैं। कुछ एग्रेसिव हैं, शायद वो सुबह से आए हुए हैं और अभी तक बंद रह रहे कि तो थोड़े एग्रेसिव हो गए हैं, अदरवाइज़ बहुत ही प्यारे हैं। ये चेक करें, यहाँ पे देखिए आर्चरी भी हो रही है और ये तो गेम मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पसंद है। ये देखिए मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। एक टाइम होता था हम लोग कराची में होते थे और वहाँ पे ना इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त सी गेम्स है ना, बच्चों को बड़ी अर्ली एयर में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये देखें जो सुदेश के हाथ में है ना, इसको बो कहते हैं और ये जो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं इसको एरो कहते हैं। और ये है सुदेश का टारगेट, ठीक है ये। हाँ ओके, कैंचो ये एल्बो ऊपर कैंचो, हाँ कैंचो, एरो की टिप को एक्स में मिलाना, ठीक है कैंचो, और कैंचो और फुल पावर से, ओके रिलीज। थैंक यू, नेक्स्ट जी चैलेंज जी। थैंक यू, ये अपनी एल्बो ये एल्बो ऊपर और ऊपर खींचे, फुल इतना खींचे 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 खींचे, जोर से हो, ओके रिलीज। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ठीक है आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये ना आर्चरी मुझे बहुत खुशी हुई है, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ना ऐसी ही गेम्स होनी चाहिए। तो आप ये मुझे बताएं कि कितनी देर में एक बच्चा जो 8 to 10 ईयर का है वो इसको सीख लेता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पे नेशनल कोच हूँ, सजाद नाम है मेरा जी। ये तकरीबन 6 माह तक बच्चा क्वालिफाइड हो जाता है, अगर वो आप उसको जूनियर नेशनल के लिए उसको अगर आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी प्रॉपर एकेडमी बनी हुई है, उसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके बाद बच्चों को आप आगे लेके जाते हैं। ये गेम जो है ये सिर्फ गेम नहीं है, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो कहता हूँ जितना क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं ये बाकी गेमों के पीछे, जिसमें इतना ज्यादा रश लगा होता है इसमें इतना भी रश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। जी जी, इसमें बच्चों को आना चाहिए, थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है बट ये अच्छी है, अच्छी है और सुन्नत भी है और गेम भी है। गेम भी है, तो आप लोग क्या चार्ज करते हैं पर मंथ इसका? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस हमारे ऑफिस से पता चलेगा जी, ठीक है। सालाना रजिस्ट्रेशन है वो 6,000 रुपए की और पर मंथ उसके 5,000 रुपए होते हैं। अच्छा चार्जेस एक बच्चे के लिए? जी एक बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन इतनी अच्छी गेम के लिए मेरा ख्याल से कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। नहीं इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, ये एक एक्सपेंसिव है, ये ऐसे नहीं है, मतलब आप इसको आके देखें, इसकी एक चीज का रेट चेक करें तो आपको पता चलेगा कितनी महंगी गेम, महंगी गेम। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। इसका क्या नाम है? फिजल। इसकी ब्रीड क्या है और ये कितने मंथ्स का है? ब्रदर ये कौन सा डॉग है, क्या ब्रीड है इसकी? बेल्जियम मेलनॉय। और इसकी क्या एज है? 2 साल। क्या नाम है इनका? मेरी केसी ब्रूनो। और क्या ब्रीड है ये? सेंट बर्नार्ड। और इसकी एज क्या है? 9 months। और यहाँ के हैं ये, लोकल है या बाहर से? कहाँ से मंगवाए हैं? कहाँ से मंगवाए हैं? रशियन ब्रीड है ये। रशियन ब्रीड है। और इनका फूड क्या है, क्या खाते हैं? और ये अग्रेसिव है या फ्रेंडली है? ये गोल्डन रिट्रीवर है, इंग्लिश। इंग्लिश, क्या नाम है इसका? ऑटो। ये गोल्डन रिट्रीवर है, इनसे वाइट करते हैं। ये इंग्लिश है ना, ये वाइट करते हैं। ये भाई ब्रीड कहाँ की है ये? ये ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की। और इसका फूड शूट क्या है? वही। अच्छा जी, सो
स्लो वॉक करनी है जी, स्लो वॉक। 51 गैप एंड टेक करके 25 इसको रोक ले, लीच ले आए पहले अपने लिए। स्लो जाने जी, स्लो स्लो चले, स्लो आहिस्ता चले। 25 अपनी जगह पे आए, 25 पीछे हो जाओ। आहिस्ता चले, आहिस्ता चले, फर्स्ट वन स्लो चले, बाकी सारे डिस्टेंस कवर करें, 72 डिस्टेंस कवर करें, स्टार्ट करें। इस तरफ रहें, इस तरफ 62 इस तरफ हो जाए, इस तरफ चले, इधर खड़ा करें। चलें जी, अब टाइम होता है जाने का, क्योंकि मैं तकरीबन सुबह 12 बजे से आई हूँ और अब शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल थक गई हूँ। बहुत मज़ा आया है, आप लोग बताइएगा आप लोगों को डॉग शो देख के मज़ा आया कि नहीं आया। हमारा तो आज बहुत ही अच्छा फन फुल सा डे गुजरा है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया है। और आप लोग भी ऐसे ना छोटे छोटे जो शोज़ अगर आप लोगों को पता चले आपके एरिए में या लाहौर में हो तो ज़रूर ज्वाइन किया करें, आपकी नॉलेज में इतना इजाफा होता है। लाइक काफ़ी कुछ मुझे नहीं पता था, काफ़ी डॉग्स की ब्रीड के बारे में मुझे नहीं पता था, वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। और अगर आपको मेरे व्लॉग से कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी, अब टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।